बच्चों आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है पहले उसको देखें। मुद्रा कोश, म को डबल कर दे, द्रा निकल जाएगा, मुद्रा कोश। ऐसा नहीं बनाया तो ऐसा ही बना सकते हैं, मुद्रा कोश दोनों तरीके से बना सकते हैं। विश्व बैंक, विश्व व निकाल के ब से काट दें, और बाद में आया विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक काटें और के अनुसार के लिए हम डेस लगाते हैं, जो वो लगा दें आप। चालू वित्त वर्ष, चल से चालू वित्त अदा करें, वर्ष चालू वित्त वर्ष। विकास दर, विकास दर कुछ समय से। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत को अदा करें, डाउनलोड रह करके एसटी लूप लगा दें, भारतीय अर्थव्यवस्था। सही तरह सामना। स्वीकार किया जाए। कैसे कर सकते हैं। गवाही दे रहे हैं कि आर्थिक विकास, डाउनलोड रह करके आर्थिक और वो लगा दें, आर्थिक विकास। जीएसटी संग्रह। रिजर्व बैंक ऐसा भी कर सकते हैं, बस काट दें। दूर करने के लिए, दूर और लिए लगा दें, करने को ओमिट करें। इतना बड़ा देश, इतने का सब चिन्ह, इसमें बड़े का सब चिन्ह और देश। कारोबार जगत, कर बर और जैसे काट दें। दूर किया जा सकता है। सक्रिय होना चाहिए। कम से कम, राहतकारी है कि। तो बच्चों ये डिक्टेशन में शब्द आ रहे हैं, एक बार फिर से देख लें। मुद्रा कोष, विश्व बैंक के अनुसार, चालू वित्त वर्ष, विकास दर कुछ समय से, भारतीय अर्थव्यवस्था, सही तरह सामना, स्वीकार किया जाए, कैसे कर सकते हैं, गवाही दे रहे हैं, आर्थिक विकास, जीएसटी संग्रह, रिजर्व बैंक, दूर करने के लिए, इतना बड़ा देश, कारोबार जगत, दूर किया जा सकता है, सक्रिय होनी चाहिए, कम से कम, राहतकारी है कि। बच्चों अब ये डिक्टेशन आप लिखेंगे 100 की स्पीड से। यस स्टार्ट। महाबलीपुरम मुद्रा कोष के बाद विश्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान जिस तरह घटाया उस पर हैरत नहीं। बीते कुछ समय से एक के बाद एक संस्थाएं यही बता रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती में जकड़ रही है। चंद दिनों पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी विकास दर का अनुमान 6.11% से घटाकर 6.18% कर दिया है। इन स्थितियों में अर्थव्यवस्था की सुस्ती को नकारने का कोई मतलब नहीं। ध्यान रहे कि किसी भी समस्या का सही तरह सामना तभी किया जा सकता है जब उसकी मौजूदगी को स्वीकार किया जाए। आखिर आर्थिक सुस्ती को नकारने वाले इसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं कि एक के बाद एक आंकड़े यही गवाही दे रहे हैं कि आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ गई है। बात चाहे जीएसटी संग्रह में लगातार कमी की हो या फिर विभिन्न क्षेत्रों में आ रही गिरावट की, इससे इनकार नहीं कि पिछले एक माह में वित्त मंत्रालय और साथ ही रिजर्व बैंक की ओर से मंदी के माहौल को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन उनके सकारात्मक नतीजे आने में समय लग सकता है। यह स्वाभाविक है क्योंकि इतने बड़े देश की
अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमने में समय तो लगेगा ही। वक्त की मांग यही है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि उसकी ओर से अर्थव्यवस्था को गति देने के जो उपाय किए जा रहे हैं वे प्रभावी साबित हों। उसे यह भी आकलन करना चाहिए कि और उपायों की आवश्यकता तो नहीं है। उसे कारोबार जगत की चिंता करने के साथ ही यह भी देखना चाहिए कि कृषि क्षेत्र की हालत कैसे सुधरे। यह ठीक नहीं कि कृषि क्षेत्र में सुधार के तमाम उपायों के बावजूद स्थितियां बदलती हुई नहीं दिख रही है। कृषि क्षेत्र में सुधार लाए बिना अर्थव्यवस्था को मजबूती देना कठिन है। विश्व बैंक के अनुसार आर्थिक सुस्ती का मूल कारण घरेलू मांग में कमी है। कृषि की हालत सुधार कर मांग की इस कमी को दूर किया जा सकता है। चूंकि रोजगार के नए अवसर की मांग की कमी दूर करने में सहायक बनेंगे, इसलिए सरकार को बेरोजगारी दूर करने के उपायों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। सरकार को इसके प्रति भी सक्रिय होनी चाहिए कि आर्थिक सुस्ती की अवधि कम से कम हो। हालांकि विश्व बैंक का यह आकलन राहतकारी है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ेगी और वह 6.19 और फिर उसके बाद 7.22% तक पहुंच जाएगी। लेकिन सरकार को वे सभी उपाय तो करने ही होंगे जो मौजूदा माहौल को बेहतर बनाने का काम करें। धन्यवाद।